नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी 2023 को चाईबासा आने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा कार्यालय में इस तैयारी को लेकर आज जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष सतीश पुरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर शामिल हुए। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष ने टाटा कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम इसी मैदान में होगा। निरीक्षण के बाद जिला कार्यालय में बैठक हुई और सारी तैयारियों पर चर्चा की गई। 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। सिंहभूम लोकसभा सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2024 में यहाँ की जनता अपना निर्णय लेगी, इस लोकसभा सीट को हम जरूर जीतेंगे। 7 जनवरी को देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने कश्मीर धारा 370 और 35 को खत्म करने का काम किया, वैसे धनी व्यक्तित्व के मालिक श्रीमान अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले शख्सियत, सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आने वाला सब चुनाव होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोल्हान की जनता ने एक बार काट की हाड़ी को टेस्ट कर लिया है। काट की हाड़ी कमलदल गिरी परिजनों से भी मुलाकात हो माननीय गृह मंत्री का? तो प्रारंभिक अवस्था है, अभी तो उनके कार्यक्रम की पूरी रचना हो गई, तो विस्तार से बताएंगे। जिला कार्य समिति की बैठक शुरू होने से पहले भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बेन के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। के बीच में बहुत ही मार्मिक और दुखदायी समाचार मिला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ का स्वर्गवास हुआ है। पूरे देश, तो हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में शोक की लहर और एक ऐसी माँ जिसने एक ऐसे पुत्र को तराशने का काम किया, एक देशभक्त, एक समाज सेवी और गरीब के कल्याण के लिए हमेशा संघर्ष करने वाला राजनेता के रूप में हम सब लोगों को लेने का काम किया है। ऐसे समय में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। पूरा झारखंड आज मरमाहत है। हम सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी माता जी का निधन, उनकी माँ के नाम ही हीरा बाग के नाम से लोग जाना जाते हैं, और उन्होंने उस धरती को एक हीरा ही निधन किया नरेंद्र मोदी। और मैं ये कह सकता हूँ जिस सादगी से नरेंद्र मोदी जी की माता जी रहती थी, और उसे सादगी के साथ आज जो है वो परमधाम प्रधान, मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके पुण्य चरणों में स्थान। अत्यधिक बिजली बिल से परेशान ग्रामीणों की समस्या को विधायक दीपक बिरवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखेंगे। साथ ही
मुख्यमंत्री से ग्रामीणों की समस्या पर पहल करने का आग्रह किया जाएगा। यह बातें विधायक दीपक बिरवा ने सदर प्रखंड अंतर्गत मुंडुएदल गांव में अत्यधिक बिजली बिल आने से परेशान ग्रामीणों द्वारा आयोजित बैठक में कही। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली समुचित नहीं मिलती है, लेकिन अत्यधिक बिल थमा दिया गया है। किस आधार पर इतना ज़्यादा बिल आया है, इसकी समीक्षा और सर्वे होना चाहिए। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली बिल में सुधार करने की मांग की। विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि बिजली बिल की समस्या हर क्षेत्र में है। 3 जनवरी को कुंदू बेड़ा में बिजली विभाग के शिविर में मुंडू एदल समेत आसपास गांव के लोग बिजली बिल सुधार, नया कनेक्शन समेत अन्य समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। ऑल कोल्हान आदिवासी शिक्षक समिति की ओर से लुपुंगुटु स्थित झरना स्थल पर वार्षिक वन भोज का आयोजन किया गया। वन भोज कार्यक्रम में शामिल शिक्षक शिक्षिकाओं ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। इस मौके पर संजय कुमार जारिका, मंगल सिंह मुंडा और विद्यासागर लागुरी के गीतों पर सामूहिक नृत्य किया गया। वन भोज में शिक्षक शिक्षिकाओं ने संकल्प लिया कि विद्यालय और आसपास के बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करने का सिलसिला जारी रखेंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा नैतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान का आयोजन सदर प्रखंड चैबासा के खादी ग्रामोद्योग भवन में किया गया। नेहरू युवा केंद्र चैबासा के द्वारा स्थानीय विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि युवाओं की भूमिका नशा उन्मूलन में सबसे अहम है। नशा को मिटाने के लिए युवा आगे आए और समाज के प्रगति के रोड़े को जड़ से उखाड़ कर फेंके। उन्होंने कहा कि उस त्रुटि को एक दिन में और अकेले खत्म नहीं किया जा सकता है, इसके लिए सभी को जिम्मेवारी लेते हुए आगे आना होगा। इस मौके पर सुशील कुमार पूर्ति, शशिकला पूर्ति, बिरसा तियू आदि उपस्थित थे। झीकपानी प्रखंड के नवागांव पंचायत के गांव गुटू मैदान में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी को लेकर बैठक हुई, जिसमें विधायक दीपक बिरवा भी शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए युवाओं को अनुशासन के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया। विधायक ने कहा कि फुटबॉल टूर्नामेंट शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, इसमें युवाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। आयोजन के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा करते हुए जल्द ही बिजली, सड़क, पुल की जरूरत को पूरा करने की बात कही। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। चायबासा सरायकेला मार्ग में टोंटो गांव के पास टोयोटा प्रो सर्विस सेंटर का शुभारंभ
नितेश नंदन ने फीता काट कर किया। कंपनी एवं शोरूम की ऑनर निर्मला गुप्ता ने कहा कि टोयोटा की सभी गाड़ियों की सर्विसिंग एवं पार्ट्स की सुविधा ग्राहकों को दी जाएगी, साथ ही गाड़ी की खरीदारी से संबंधित जानकारी भी ग्राहक यहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब आए अपना कीमती समय निकालकर। ये मैडम को बहुत बहुत बधाई हो हमारे टोयोटा फैमिली से जुड़ने के लिए। सो प्लीज वेलकम टू द फैमिली। सब कुछ को छोड़ के कस्टमर के बारे में सबसे पहले सोचने का जो हमारा जज्बा है, जो हमारा सोच है, उसको आप कायम रखिएगा और इसको लेके आप और आगे बढ़िएगा। और आपसे बहुत उम्मीदें हैं मैडम, यू आर लाइक इंस्पिरेशन टू। डेफिनेटली अभी थोड़ी देर पहले हमारा बात हो रहा था कंपनी में भी, इनफैक्ट रमेश से भी मेरी बात हो रही है। पंपू तालाब के समीप आदिवासी रेलवे संथाल समाज की ओर से वार्षिक वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक जी मुर्मू ने समाज के लोगों का एक दूसरे से परिचय कराया और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की टीम ने सिरिंगसया घाटी शहीद स्मारक कमेटी से मुलाकात की और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वालों का वास्तविक शहादत दिवस 2 जनवरी को मनाने का अनुरोध किया। युवा महासभा के केंद्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने घटना की तिथि को छोड़कर दूसरे दिन विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि देने की परंपरा में बदलाव लाने पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामाजिक पहल के साथ हर वर्ष 2 जनवरी को ही श्रद्धांजलि सभा रखी जाए। इसके साथ ही युवा महासभा के लोगों से अपील किया गया कि 1 और 2 जनवरी को खरसवां, जगन्नाथपुर, राजा बादशाह और अन्य जगहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है, इसलिए इस दोनों दिन को पिकनिक के रूप में नहीं मनाएं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।